So hi everyone, welcome to my channel and for today I will be talking about business organization and इसमें आपके जो paper के जो है सारे units की जो है आज मैं आपको important question answers करवाने वाली हूँ because कल जो है वो है आपका paper. So because थोड़ा सा late भी provide कर रही हूँ मैं because आपके और भी exams चल रहे थे इसलिए. So that is why today I will be providing you important question answers for business organization of each unit. And इसी video में जो है I will try कि मैं आपको सारे units cover कर दूँ. बाकी लेट्स सी टिल द एंड की कितनी यूनिट जो हम कवर कर पाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो हमारा यूनिट वन में जो है लेसन वन है दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कई बच्चे पूछेंगे कि इसका सिलेबस भी बता दो. तो ये आपका सिलेबस भी है कि यूनिट वन में आपका लेसन वन का नेम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो कई बच्चे कहते हैं कि मेरी स्पीड जो है वो बोलने की बहुत ज्यादा जल्दी है. तो उसके लिए आप प्लेबैक स्पीड को जो है दैट इज आपके वीडियो पे थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे उस पर क्लिक करोगे वहाँ पे आपको प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन दिखेगा. वहाँ पे आप 0.5 पे या 0.75 पे कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट्स. सो फर्स्ट इज कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है. सो बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो रेफर किया जाता है एक्सटर्नल और एंड इंटरनल फैक्टर को जो कि इफेक्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस. और ये इंक्लूड करते हैं फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशंस और लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कॉम्पिटिशन है कस्टमर प्रेफरेंस है और बहुत सारी चीजें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरमेंट. ये रेफर करता है कंडीशन को जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम जो है बिजनेस का जो है वो ऑपरेट किया जाता है इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स सच एज की लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट कितना है टैक्सेस क्या जा रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है रिलेटेड टू द इकोनॉमी. नेक्स्ट है सोशल एनवायरमेंट. सो सोशल एनवायरमेंट जो है वो रेफर करता है ये इंक्लूड करते हैं सोशल फैक्टर्स को जैसे कि सच एज डेमोग्राफिक्स कल्चरल वैल्यूज लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर बिहेवियर. देन यू हैव इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट जो है वो इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस ऑपरेट्स मतलब कि दैट अफेक्ट द वे अ बिजनेस ऑपरेट्स सच एज ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन मे बी इट कैन बी कॉल्ड एज डिजिटलाइजेशन ऑल्सो बट या डिजिटाइजेशन एंड न्यू इन्वेंशंस. देन यू हैव इज द डीपर दैट इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट. सो पॉलिटिकल एनवायरमेंट जो है जैसे कि लॉ रेगुलेशंस पॉलिसीज ट्रेड पॉलिसीज टैक्सेशन बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह जो है एंड लेबर लॉज वगैरह. एंड देन यू हैव इज द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नेचुरल एनवायरमेंट दैट इज ये इंक्लूड करता है जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में चेंजेस होना क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन रिसोर्स डिप्लीशन ये सब चीजें. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो ऑल्सो मैं वीडियो में थोड़ा जल्दी बोलती हूँ ताकि जो मैं आपको ज्यादा कंटेंट दे सकूँ विद इन लेस पीरियड ऑफ टाइम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर टू दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस एथिक्स. सो बिजनेस एथिक्स क्या होता है और इसके डिफरेंट प्रिंसिपल जो है वो कौन कौन से होते हैं जो गवर्न करते हैं इसे. सो बिजनेस एथिक्स जो है वो है एक मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल इन द बिजनेस एनवायरमेंट. जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स है जो कि गवर्न करते हैं बिजनेस एथिक्स को वो है मेनली ऑनेस्टी. सो बिजनेस में जो है ट्रूथफुल और ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन देयर डीलिंग्स विद द स्टेक होल्डर्स. देन यू हैव इज इंटीग्रिटी. सो इंटीग्रिटी मीन्स कि बिजनेस में जो है आपको एडर करना होता है हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को एंड एक्ट करना होता है विद इंटीग्रिटी. देन यू हैव इज फेयरनेस. सो बिजनेस जो है आपको ट्रीट करना चाहिए ऑल स्टेक होल्डर्स को फेयरली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. देन यू हैव इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस में कि डेट यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको जो है डिसीजन से कुछ भी नुकसान होता है या कोई भी इम्पैक्ट जो है आपका डिसीजन करे ऑन द सोसाइटी और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए. देन यू हैव इज रिस्पेक्ट. सो बिजनेस में जो है रिस्पेक्ट देनी बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. नाउ यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस. जो ट्रेड होता है जनरली वो रेफर किया जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू पार्टीज. ये आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा बट मैंने सोचा एक नॉर्मल आपको पता होना चाहिए. सो ट्रेड इज की एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज. वेल एज कॉमर्स होता है वो होता है वेली रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड देन यू हैव इज बिजनेस. सो बिजनेस जो है वो रेफर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एंगेज होती है इन द ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड और कॉमर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मोटिव. सो बिजनेस का मेन यही होता है कि उनका अर्निंग मोटिव मेन होता है या अर्निंग प्रॉफिट उनका मेन एक मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है. बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व करता है एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट एंड वाइल ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो जस्ट इसके टू पार्ट्स होते हैं मतलब जस्ट पार्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. नाउ वी आर कमिंग टू द लेसन टू जो कि है यूनिट वन का. सो दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस.
So here the first question we have is, differentiate between business ethics and social responsibility of a company. Also give example. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था business ethics क्या होता है. So business ethics जो है वो एक moral principle होते हैं, values होते हैं, जो कि हमारे को guide करते हैं the behavior of businesses and individual in the business environment. Social responsibility है company की, जो कि refer करती है to the obligation of a business to act in the best interest of society and the environment. So the main difference between the two is that कि जो business ethics है ये concerned होता है with the individual behavior, while जो social responsibility है concerned होता है with the behavior of organization as a whole. मतलब जो business है वो एक personal के लिए है and social जो है वो एक overall के लिए या फिर whole के लिए. For example, अगर एक कंपनी जो फॉलो कर रही है एथिकल प्रिंसिपल्स, सो ये हार्म कर सकते हैं, स्टिल हार्म द एनवायरनमेंट, बट अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल है कंपनी, वो टेक स्टेप्स टू मिटिगेट इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. देन हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, एंड एक्सप्लेन करने आपको उसके फीचर्स एंड वट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेसेस. सो सबसे पहले CSR, सो ये रेफर करता है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेफर करता है टू द वॉलंटरी एक्शंस जो कि टेकन होते हैं बाय द कंपनी टू इम्प्रूव वेलबींग ऑफ सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट. हम बात करें फीचर्स के बारे में तो फर्स्ट इज वॉलंटरी. सो CSR जो है ये एक नॉट लीगली मैंडेटेड है, मतलब मैंडेटेड है, बट इज अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ कंपनीज टू गो बियॉन्ड देयर लीगल ऑब्लिगेशंस. नाउ वी हैव इज कॉम्प्रिहेंसिव, सो दैट इज CSR. सो ये इन्वॉल्व करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फिलेंथ्रोपी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड सोशल वेलफेयर. नेक्स्ट यू हैव ए CPAR, दैट इज स्टेक होल्डर. सो स्टेक होल्डर जो है वो ओरिएंटेड होते हैं एंड स्टेक होल्डर ओरिएंटेड जो है मेनली, दैट इज CSR जो है वो फोकस करते हैं ऑन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लाईज, शेयर होल्डर्स एंड द कम्युनिटी. And then you have the different components, कौन कौन से होते हैं social responsibility of social responsibility for businesses. So first is economic responsibility. So business की जो एक responsibility होती है कि वो earn करे profit को and create करे wealth for the shareholders. Then you have is legal responsibility. So business को जो है वो comply करना होता है with all the applicable laws and regulations. Then you have is ethical responsibility. So business को जो है adhere करना होता है, like follow करना होता है to high ethical standards and act with integrity. And then you have is philanthropic responsibility, that is कि business को जो contribute करना होता है to the social cause and promote करना होता है well-being of the society. Next you have is the next question, that is question number 3. What do you think the concept of social responsibility important? मतलब क्या क्या आपको लग, why do you think कि आपको social responsibility important है? And explain करना है the arguments offered both in favor and against assumption of social responsibility by a business. सो फर्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस जो है वो जनरली क्या होते हैं, बिजनेसेस आर नॉट ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये सिर्फ उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट, बट इनका जो होता है ये कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. और ये इम्प्लाई करता है कि जो बिजनेसेस है मस्ट टेक इंटू अकाउंट द सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस. देन वी हैव इस आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनहेंस करता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंड हेल्प करते हैं बिल्डिंग अ पॉजिटिव इमेज इन द कम्युनिटी. देन ऑल्सो इट कैन लीड टू द इंक्रीज्ड एम्प्लॉय मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी. इट कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्प कर सकते हैं प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट. एंड ये हेल्प कर सकते हैं इन रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड इम्प्रूव करने में क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कम्युनिटी. सो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो होते हैं अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की, दैट इज टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन डाइवर्ट रिसोर्सेज अवे फ्रॉम दिस कॉल. नेक्स्ट वी हैव इज बिजनेस जो है वो जनरली नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सोशल प्रॉब्लम्स, बट उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉर गवर्नमेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस दिस इशूज. देन वी हैव इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि लेड करती है इंक्रीज कॉस्ट फॉर बिजनेस which can make it less competitive, and then anyways it can be difficult to measure the impact of social responsibility and there is a risk of it becoming a PR exercise. Next we are moving to the next unit, that is unit 2. So within 10 minutes I have explained you unit 1 ke important question answers, and now we are moving to unit 2 important question answers. So here we have the first lesson, that is lesson 1, forms of ownership organizations. So yahan pe hamara first question hai, that is explain the concept of joint stock company and how is private company different from public company. So firstly joint stock company kya hoti hai. So ye jo hai ye ek form of business organization hai
वेयर जो कैपिटल है वो डिवाइड होती है इनटू टू शेयर्स एंड द लायबिलिटी जो है ऑफ शेयर होल्डर्स वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग. एक जो प्राइवेट है लाइक अ प्राइवेट कंपनी जो है इज वन ऑफ द वेयर जो शेयर है वो प्राइवेटली हेल्ड किए जाते हैं एंड जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं टू द 200. एंड नाउ वी हैव अ पब्लिक कंपनी. सो पब्लिक कंपनी में क्या होता है इज वेयर जो शेयर्स है वो अवेलेबल होते हैं फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी है होती है मतलब विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है रेफर करती है लीगल लीगल ऑब्लिगेशन को ऑफ ऑनर्स ऑफ द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस कि वो पे करे पे ऑफ ऑल द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस इवन इफ जो है वो इफ इट एक्सीड्स देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. सो दिस फॉर्म ऑफ लायबिलिटी जो है ये जनरली फाउंड की जाती है इन द सोल प्रोप्रिएटरशिप्स एंड पार्टनरशिप्स. Then you have is the third question that is differentiate between a company and a cooperative organization. Also elaborate different forms of business cooperatives. So a company जो है ये एक legal मतलब a company जो एक legal entity होती है जो कि separate होती है from its owners. And whereas जो cooperative organization है ये own की जाती है and control की जाती है by its members. जो objective है company का ये होता है कि mainly वो maximize कर सके profit for the shareholders. And इनका objective होता है while the objective of a cooperative is to provide benefits to its member. So different form hote hain business cooperatives ke include producer cooperatives and consumer cooperatives and work cooperatives. So now we are moving to lesson number 2 that is one person company, multinational corporations and business combinations. So here we have the first question that is and it is one of the most important question that is a one person company is not same as sole proprietorship. Do you agree with the statement? List the differences between the two. So, एक 1% जो कंपनी है ये टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी होती है जो कि ओन की जाती है मैनेज की जाती है बाय अ सिंगल पर्सन एंड वाइल एक सोल जो प्रोप्रिएटरशिप होती है एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वेयर जो बिजनेस है वो ओन किया जाता है एंड मैनेज किया जाता है बाय अ सिंगल पर्सन. जो की डिफरेंस है बिटवीन द टू इज दैट एक जो पर्सन है अ 1% कंपनी जो है वो सेपरेट होती है लीगल एंटिटी एंड जो लाइबिलिटी है ऑफ द ओनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट इट्स डिसएडवांटेज फॉर द होस्ट कंपनी. सो मल्टी नेशनल कंपनी जो है मतलब मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन जो है ये कंपनी होती है जो कि ऑपरेट करती है मल्टीपल कंट्रीज एंड इट्स डिसएडवांटेज इज फॉर द होस्ट कंट्री इज कैन बी इंक्लूड इज मतलब इसकी जो डिसएडवांटेज होती है होस्ट कंपनी के लिए वो हो सकते हैं मेनली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज लेबर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डू यू नो. सो नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट इज अ टेक ओवर एंड मेंशन एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ टेक ओवर. सो टेक ओवर जो है जनरली रेफर किया जाता है एक एक्विजिशन को ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी मतलब एक कंपनी को जो दूसरी कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लेती है खरीद लेती है. डिफरेंट टाइप ऑफ टेक ओवर होते हैं लाइक फ्रेंडली टेक ओवर होते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर होते हैं और रिवर्स टेक ओवर भी होते हैं. सो फ्रेंडली इज जनरली की जो दोस्तों में आपस में एक दूसरे ने कंपनी खरीद ली एक दूसरे की हॉस्टाइल के अंदर जबरदस्ती और रिवर्स टेक ओवर इज जनरली की जो कंपनी ने बाय चांस किसी ने आपकी कंपनी ले ली थी आपने उससे जो वापस रिवर्स कर ली. देन हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द टर्म मर्जर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर. सो मर्जर जो है वो एक रेफर किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ सिंगल एंटिटी. सो डिफरेंट टाइप ऑफ मर्जर्स होते हैं इंक्लूड करते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर वर्टिकल मर्जर एंड कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर. सो ये इस टाइप के कुछ मर्जर्स होते हैं. Now we have is the next unit that is unit 3 जिसमें आपका lesson 1 है that is business environment analysis and diagnosis and also अगर आपको मैंने आपको फिर से बता देती हूँ अगर आपको वीडियो स्पीड में लग रही हो तो आप सेटिंग्स पे जाके प्लेबैक स्पीड को 0.5 या 0.75 पे कर सकते हैं. So unit 3 is lesson 1 that is business environment analysis and diagnosis. सो इसमें एनालिसिस एंड डायग्नोसिस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दोनों ही वर्ड्स जो आपके टेक्स्ट में दिए गए हैं मतलब आपके टाइटल में. सो फर्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट सो और व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इट. सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रेफर किया जाता है टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो इफेक्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंड द वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कि इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक
social and political, legal and technological factors. And what is environment analysis and diagnosis? So, and why is it important for a firm to keep up to date with their environmental changes? So, जो environmental analysis होते हैं and diagnosis होते हैं, वो refer किए जाते हैं to the process of analyzing and understanding the business environment and identifying the opportunities and threats that is present. And ये बहुत ज़्यादा important होता है एक firm के लिए, for a firm कि वो keep करे, मतलब up to date करे with environmental changes so that it can adapt to the changing conditions and take advantage of the emerging opportunities. Now we are moving to unit 4, that is lesson 1, entrepreneurship founding the business. So the first question is, briefly aapko describe karna difference between business and social entrepreneurship. So business jo hai, business entrepreneurship is jo refer ki jati hai to the starting and managing a for profit business. Well, jo social entrepreneurship hoti hai wo refer ki jati hai starting and managing a business that has a social or environmental objective. Like agar social cause hai kisi cheez ka ya fir environmental cause wagera ke liye jo hai particular startup kiya gaya hai. डेट इसके एनवायरमेंट को अगर ठीक करना है सो ये सारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होगी. अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉफिट है सो डेट इज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट यू हैव इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज जो है वो रेफर करता है एक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को, वाइल जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इंडिविजुअल होता है जो कि स्टार्ट करता है और मैनेज करता है एक बिजनेस, डेट इज एंटरप्रेन्योर. And then is entrepreneurship, जो कि refer करती है एक process को of starting and managing a business. So I think type of entrepreneur and entrepreneurship is same, but entrepreneur जो है एक हम person को कहते हैं and entrepreneurship जो है एक process को कहते हैं. So that is the main difference. Now we have is the next question, that is what are the different types of entrepreneurships. और ये बहुत ज़्यादा important question है for your paper, so इसको आपको ध्यान से समझना है. So first of all, एक है आपका स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है. सो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है, मतलब मैं आपको ये वर्ड बार बार नहीं बोलूंगी. सो दिस टाइप ऑफ जो है ये इन्वॉल्व करती है मेनली स्टार्टिंग एंड रनिंग अ स्मॉल बिजनेस दैट टिपिकली जो है वो सर्व करती है लोकल कम्युनिटी को. और ये जो बिजनेसेस है ऑफन ओन करते हैं बाय और ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. देन वी हैव अ स्केलेबल स्टार्टअप. सो स्केलेबल स्टार्टअप जो है ये एक टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं क्रिएटिंग अ बिजनेस मॉडल और जो कि डिजाइन करते हैं टू रैपिड ग्रो एंड स्केल्ड अप. एंड यहाँ पे जो है ऑफन इन्वॉल्व होते हैं न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस जो कि डेट हैज अ पोटेंशियल कि वो डिस्टर्ब कर सके एंटायर इंडस्ट्री को उस पर्टिकुलर चीज की, या फिर हो सकता है एक नई इंडस्ट्री को क्रिएट कर सके. नेक्स्ट वे इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप है ये फोकस करती है क्रिएटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अलॉन्गसाइड फाइनेंशियल रिटर्न्स. सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ये एम करती है कि वो सॉल्व करे कुछ सोशल प्रॉब्लम्स या फिर एड्रेस करे कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को थ्रू आउट देयर बिजनेस. नेक्स्ट वेव इज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो इन्वॉल्व करती है डेवलपिंग एंड कमर्शलाइजिंग इनोवेटिव आइडियाज टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स. इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ऑफन वर्क करते हैं इन हाईटेक इंडस्ट्रीज एंड आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. सो लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि फोकस करती है ऑन क्रिएटिंग अ बिजनेस जो कि प्रोवाइड करती है एक सर्टेन लाइफस्टाइल फॉर द ओनर. फॉर एग्जांपल जो लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस जो अलाउ करे उनको कि वो वर्क करे फ्रॉम देयर होम एंड हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर शेड्यूल. नेक्स्ट वे इज लेसन नंबर 2. सो हेयर वी हैव इज कंटेम्प्रेरी इशूज इन एंटरप्रेन्योरशिप. सो कौन कौन से इशूज होते हैं. सो फर्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं. सो ये ग्रुप्स होते हैं पीपल के, मतलब लोगों के, जो कि एक साथ आते हैं और वो सॉल्व करते हैं कॉमन प्रॉब्लम को. टिपिकली ये रिलेटेड होते हैं टू द फाइनेंस एंड सोशल इशूज एंड ये ऑफन जो वो यूज किया जाता है एज अ टूल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. देन यू हैव इज एंजल इन्वेस्टर्स. सो अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा, लाइक शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक किसी और कंट्री का, सो इसमें आपको पता होगा एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है. एंड डैट इज कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं. सो वो एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में और वो एक्सचेंज करते हैं फॉर द इक्विटी स्टेक इन द कंपनी. और जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑफन वो प्रोवाइड करते हैं नॉट ओनली कैपिटल बट ऑल्सो मेंटरशिप एंड गाइडेंस टू द स्टार्टअप्स. नेक्स्ट यू हैव इज वट आर द फोर पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम. सो जो फोर पिलर्स है डैट इज न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम. सो स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट स्कीम्स है, दैट इज लाइक वी हैव इज इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वी हैव नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, स्किल लोन स्कीम है एंड मेनी मोर. और ये स्कीम जो वो प्रमोट करती है, मतलब ये डिजाइन की गई है ताकि वो प्रमोट कर सके स्किल डेवलपमेंट को एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप. सो ग्लोबलाइजेशन जो है उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट एंड रिसोर्सेज. एंड जो ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो लेड टू इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. नाउ वी आर ऑन द लास्ट, आई थिंक लास्ट और मे बी द या आई थिंक इट दिस इज द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5. या बट वी विल सी कि और अगर कोई और होती है तो. सो यूनिट 5 के में हमारे पास है दैट इज लेसन 1, दैट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. सो फर्स्ट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड डिस्क्राइब करना आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है ये रेफर्स टू डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अमंग एम्प्लॉयज इन वर्क प्लेस. और ये जो डिफरेंसेस है ये हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एजुकेशन एंड बैकग्राउंड. और नेक्स्ट अगर हम बात करें, हैविंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स वो हेल्प करते कंपनी को कि वो अंडरस्टैंड कर सके कस्टमर्स को एंड वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ पीपल. नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क प्लेस इंक्लूजन एंड इंक्लूजन एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू वर्क प्लेस डाइवर्सिटी. सो वर्क प्लेस इंक्लूजन जो है वो रेफर करता है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर ऑल जो एम्प्लॉय है वो फील करे वेलकम, वैल्यूड एंड सपोर्टेड रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस. सो जो इंक्लूजन है वो गो करता है बियॉन्ड द डाइवर्सिटी, मतलब वो जाता है बियॉन्ड द डाइवर्सिटी. सो जो जनरली क्या करते हैं, जो जनरली फोकस करते हैं ऑन द डिफरेंसेस ताकि मैं इंश्योर कर सके डेट ऑल जो भी एम्प्लॉयज है वो फील करे डेट दे बिलोंग टू, डेट दे बिलोंग एंड कैन फुली पार्टिसिपेट इन द वर्क प्लेस. मतलब वो बहुत ज्यादा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो एरिया हो. जो इंक्लूजन है वो रिलेटेड होता है टू द डाइवर्सिटी इन दैट हैविंग अ डाइवर्स वर्क फोर्स इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ इंक्लूसिव वर्क प्लेस. हाउएवर जस्ट हैविंग अ डाइवर्स वर्क प्लेस जो है वो डज नॉट गारंटी इंक्लूजन. सो ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो क्रिएट कर सके, क्रिएट करे बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो कि सपोर्ट करे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सच एज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और अनकॉन्शियस बायस, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स एंड बाय क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस कंपनीज कैन लीवरेज द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी टू क्रिएट अ मोर प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स वर्क प्लेस. सो नाउ वी हैव इज द नेक्स्ट लेसन, दैट इज लेसन नंबर 2 एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स. एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत ज्यादा आर हायरार्कियल विद क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल. एंड यहाँ पर जो है देयर आर टिपिकली मतलब टॉप डाउन अप्रोच होता है टू द डिसीजन मेकिंग विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सीनियर मैनेजर्स जो है वो डिसीजन बनाते हैं और जो कि फॉलो करने होते हैं बाय ऑल द पीपल. कम्युनिकेशन जनरली जो वन वे फॉलो होता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन वी हैव अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें मोर डिसेंट्रलाइज्ड और फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब जो लॉज वगैरह होते हैं दे आर डिजाइन टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस एंड इन द बिजनेस एनवायरमेंट की, ताकि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और वो चेंजेस जो है इजिली एक्सेप्ट कर सके एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग हो सके. कम्युनिकेशन जो है वो फॉलो करते हैं इन मल्टीपल डायरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है वो टेंड करते हैं कि वो टेंड टू बी फ्लैटर विद फ्यूअर लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया जाता है अराउंड द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव्स एंड इन दिस स्ट्रक्चर जो है एम्प्लॉयज जो है वो जनरली ग्रुप किए जाते हैं टुगेदर इन टू टीम्स एंड दे आर दैट आर फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स. सो हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो एक पर्टिकुलर फोकस या फिर एक टारगेट होता है, गोल होता है. देन वी हैव इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो ये जो डिजाइन किया जाता है कि वो कंबाइन करे फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स को एंड इन दिस स्ट्रक्चर जो एम्प्लॉय है वो रिपोर्ट करते हैं टू बोथ फंक्शनल मैनेजर एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजर
नेक्स्ट ईयर जो मैट्रिक्स है मतलब जो द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो अलाउ करता है फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन बिटवीन टीम्स बट इट कैन आल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन ओवर रिपोर्टिंग लाइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन इन डिटेल वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड वट आर इट्स की मेरिट्स एंड लिमिट्स. सो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्ट्रक्चर है इन विच एम्प्लॉय जो वो एक साथ वर्क करते हैं टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट. मतलब एक वर्चुअल मतलब कि ऑनलाइन जो है मीटिंग्स वगैरह से हो रहे हैं. उनका जो मेन बेनिफिट होता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने घर से जो है मीटिंग्स वगैरह अपनी ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर देम. मतलब लाइक उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल होती है एंड दिस कैन लेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट एज देर इज नो नीड टू फॉर फिजिकल ऑफिस स्पेयर. मतलब कि कोई भी फिजिकल ऑफिस के लिए स्पेस की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट यू हैव टू डिजाइन अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स एंड अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन. दिस कैन बी अचीव थ्रू रेगुलर वीडियो मीटिंग्स ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स. एंड नाउ वी हैव द लेसन 3 दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सप्लेन करना है आपको की फीचर्स of the learning organization. So learning organizations जो है वो organizations होती है जो कि continuously learn करती है और adapt करती है changes in their environment. There are characterized मतलब जो generally characterized होती है by a culture of innovation, continuous improvement and learning. और ये जो concept है learning का organization का was first introduced by Peter Singh in his book The Fifth Discipline. अब हमारे पास यहाँ पे key features of learning लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट इज शेयर्ड विजन कि वह सब जो है अपना आपस में मिशन वगैरह को जो ऑर्गेनाइजेशन को शेयर कर सकते हैं सारे एम्प्लॉयज. देन यू हैव सिस्टम थिंकिंग. सो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लार्जर सिस्टम में देखती है अपनी कंपनी को एंड वो अंडरस्टूड करती है इंटर कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. देन यू हैव इज पर्सनल मिस्ट्री मास्टरी. यस सो फर्स्ट पर्सनल मास्टरी दैट इज कि एम्प्लॉय को जो इंकरेज किया जाता है कि वो डेवलप करे स्किल्स एंड नॉलेज टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल. The name is mental models. So employers को aware किया जाता है of their assumptions and biases and are willing to challenge them. और team learning जो है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि collaborations और जो team works होते हैं वो encourage किए जाते हैं and employees जो है वो learn करते हैं from one another. कि मतलब जो employees जो है वो एक दूसरे से learn करते हैं. Also इस question में आपको बोला गया था कि आपको case study भी बतानी है. So that is आप एक case study लिख सकते हो कि जैसे कि Toyota जो है ये classic example है learning organization का. They have a culture of continuous improvement and learning, which has helped them become one of the world's leading automobiles manufacturers. So next we have is the next question that is how the in-house e-commerce solution can help the company so to save on cost. मतलब कि वो cost वगैरह में कैसे save कर सकते हैं. So in-house e-commerce जो solutions हैं वो help करते companies की कि वो save करे cost in several ways. Like by developing their e-commerce solution, companies and can save on third party's platform fees and which can be significant expensive. Additionally jo in house e-commerce solutions hai wo provide karte hain with companies matlab provide karte companies with a greater control over the user experience branding and customization. Aur jo company jo hai wo can also integrate their e-commerce solution with their existing systems such as inventory management and accounting which can streamline their operations and reduce costs. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इट एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. फर्स्ट आई विल सी या सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तब आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं कि कितने क्वेश्चन और हैं. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ कैन द डिजिटलाइजेशन और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो हेल्प कर सकती है बिजनेसेस की कि वो गेन करे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो जो डिजिटलाइजेशन है वो सेवरल वेज में जो कर सकती है इनोवेशन वगैरह को हेल्प कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सके. सो गेन कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो फर्स्ट इज इम्प्रूव एफिशिएंसी. सो जो ऑटोमेशन है एंड जो डिजिटाइजेशन है वो हेल्प करती है कंपनीज को कि वो स्ट्रीमलाइन करे अपने ऑपरेशंस को एंड रिड्यूस करे अपनी कॉस्ट को लीडिंग टू द इम्प्रूव एफिशिएंसी बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस. सो डिजिटलाइजेशन जो है वो अलाउ करती है कंपनीज को कि वो बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस ले सके बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एंड कन्वीनियंट सर्विसेज. नेक्स्ट यू हैव इज न्यू बिजनेस मॉडल्स जो हैं डिजिटलाइजेशन मतलब कि जो डिजिटलाइजेशन है और जो टेक्निकल इनोवेशन है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो अनेबल करते हैं कंपनीज को कि वो डेवलप करें न्यू बिजनेसेस मॉडल्स एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स. नेक्स्ट यू हैव इज डाटा एनालिटिक्स. सो डिजिटलाइजेशन जो है वो अलाउ करती है कंपनीज को कि वो कलेक्ट करे और एनालाइज करे डाटा को एंड प्रोवाइड करे वैल्यूएबल इनसाइट
into customer behavior and market trends. Overall जो businesses है वो embrace करते हैं digitalization को and technological innovations को are more likely to succeed in today's rapidly changing businesses environment. So with this I will be ending this video here only. And last ये आधे घंटे की वीडियो बन गई है but I didn't thought कि ये पूरी वीडियो एक बार में हो भी जाएगी. But yes, I have completed this video now. And इसके बाद अभी इस पेपर की तो अभी कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं आएगी. But अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की वीडियो चाहिए, do let me know in the comments. Also, all the best for your exams. And इस वीडियो को कम से कम एक से दो बार तो देख ही लेना before your exams. So stay safe, stay positive, all the best, and thanks for watching. Bye bye.